बताइए, बताओ कब हुआ था आपका ऑपरेशन? अभी 2 महीने बाकी, 16 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, 3 साल हो जाएंगे। कैसे आपको पता चला था कि ये वज़न कम करने के ऑपरेशन होते हैं? कैसे, कहाँ से पता चला? यहाँ अम्बाला से। अम्बाला से? अच्छा अच्छा, उन्होंने कराया हुआ था? हाँ, उन्होंने कराया था, वो यहाँ लेके आए। आपका, आप कहाँ रहते हो? मध्य प्रदेश में। यहाँ से कितना टाइम लगता है जाने को? 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं। अच्छा, तो अभी 3 साल होने वाले हैं ऑपरेशन? हाँ, 2 महीना बाकी। तो अभी ये बताओ कि कैसे महसूस करते हो आप? कुछ नहीं, सब बढ़िया हूँ। खाने में, पहनने में, सब चलने में, सब। कोई उल्टी अल्टी तो नहीं आती? ना, उल्टी उल्टी नहीं। अच्छा, 2 रोटी खा लेते हो? हाँ, 2 नहीं 3 खा लेते। 3.5 खा लेते एक टाइम पे भी? हाँ, एक टाइम नहीं, जैसे आप खा ली सुबह 8 बजे खा ली, फिर 12 बजे खा लेंगे, 4 बजे, फिर शाम को 6 बजे ऐसे खा ले। और सुबह जब एक टाइम पे कितनी रोटी खाते हो? 1.5 रोटी खा लेते, पराठा नाश्ता दही से खा ले, उसके साथ दाल सब्जी। हाँ, दाल नहीं, सुबह दही से खा ले। अच्छा, और दोपहर को? फिर दोपहर को दाल है, हरी सब्जी है, पालक है। मतलब आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मैं खाया नहीं जा रहा? तसल्ली हो जाती है खाते। और वजन भी अब ये 65 किलो हो गया? अब ज्यादा ना बढ़ता ना घटता, इतना ही है। इसी पे सेट? पहले भी आए थे इतना ही था। पहले 91 किलो होता था ऑपरेशन से पहले, अब 65 पे सेट है, ना ऊपर नीचे जाता है। और कोई वर्जिश वगैरह, कोई सैर सूर, कोई और वर्जिश करते हो? हाँ, हमें नहीं करते। अच्छा अच्छा, नहीं। और क्या फ़ायदा क्या हुआ हमें वज़न कम होने का? वज़न होने का फ़ायदा यही हुआ, ना जी घबराता, ना घुटने दुखते, ना कमर दुखती। अच्छा, पहले घुटने दुखते हाँ, थे बहुत। बैठ जाओ तो उठाने वाला चाहिए। अच्छा, और खड़े हो जाओ तो बिठाने वाला चाहिए। लेटरिन बाथरूम कोई मुसीबत, एक तरह से जैसे पिट्ठू लगा हुआ था, सजा लगी हुई थी। अब तो चलना फिरना, उठना बैठना सब नॉर्मल? बढ़िया नॉर्मल। चलो, कुर्सी से बैठना उठना? हाँ, उसी पे बैठ जाती हूँ, उठ के खड़ी हो जाती। पहले कुर्सी से बैठने में भी दिक्कत थी? हाँ। अच्छा अच्छा, उठने ही जाते, उठने में। अच्छा, तो विटामिन ये कैल्शियम ताकत वाली दवाइयाँ खाते रहते हो? दीती, खत्म हो गई, अब लिखती, फिर दे। अच्छा, ये खाते रहना, ठीक है। और दही लस्सी भी खाते चलता रहे, ठीक है। और नॉन वेज अंडा मीट भी खाते हो? हाँ, खाया जाता है नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा ही। वेरी गुड, वेरी गुड।